भी बेनिफिट मिलेगा राइट सो गाइज अभी तक हमने अलग अलग तरीके के अलगम सीखे हैं अलग अलग काम करने के लिए इनका बेसिक सेगमेंटेशन था क्लासिकल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग लर्निंग तो क्लासिकल मशीन के अंदर आपने आपने मतलब हम लर्निंगल शुरू में जो शुरुआत करी थी वो सब लीनियर रिग्रेशन से करी थी जिसमें हम एक लाइन फिट करते थे फिर हम इसी के कुछ वेरिएंट्स देखते हुए पॉलिनोम रिग्रेशन वाज वन ऑफ द वेरिएंट्स जिसमें हम एक कर्व फिट करते थे या फिर किसी भी तरीके का एक कर्व फिट करते थे दैन देर लाइक दैन देर वॉज लॉजिस्टिक रिग्रेशन जिसमें हम कुछ सिगमोइड सॉर्ट ऑफ फिट करते थे नाइव बेस अलगोरदम में हम दो डिस्ट्रीब्यूशनस के बीच में एक क्लासीफिकेशन बाउंड्री ढूँढा करते थे एकदम यू you नो know, एकदम स्टैंडर्ड तरीके से देन पी सी ए से हमने सीखा कि किस तरीके से हम डेटा की डायमेंशनस को डायनमिकली रिड्यूस कर सकते हैं डायनमिकली मतलब Uh, जो सिमिलर फीचर्स हैं उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं और डेटा को अच्छा बना सकते हैं फॉर ट्रेनिंग ना तो ये एकदम क्लासिकल अप्रोच थी देन वी हैव सीन सम डीप लर्निंग अप्रोचेज एज वेल अगर आप मशीन लर्निंग कोर्स में हैं तो आपने ज़रूर देखी होगी डीप लर्निंग अप्रोच भी तो उसमें हमने जो नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क था वो देखा सी एन एन देखा ऑटो uh, इनकोडर्स देखे गैन देखा नाई आई स्टिल एक्सेप्ट गैन की कोडिंग वीडियो भी, भी बाकी हैं बट ये जो कोडिंग वीडियोस का मैंने आई गेस अल्टरनेटिव अपलोड कर दिया था शीट्स के ऊपर जो लोग लाइव कोर्सेज़ में उनके लिए आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो इन सब से थोड़ा सा अलग एल्गोरिथम है और उसके अलग ही बेनिफिट्स हैं राइट और ये मैंने अभी तक सिर्फ एक ही बार सिखाया है फर्स्ट बैच में तो आई गेस आप में से करके लोग उसमें से हैं इट्स गुड जो लोग नहीं हैं इट्स 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 वन ऑफ़ दी ओनली चांस जब आप ये सीख सकेंगे क्योंकि मैं इसके बाद मोस्टली लाइव सेशन बंद कर रहा हूँ राइट सो लेट्स स्टार्ट विद द सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एल्गॉरिदम ये क्लास के लास्ट में इसलिए सिखाया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डी लाइक डीप मैथमेटिक्स है इसमें कुछ ऐसी ऐसी टर्म्स हैं जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी मैथमेटिक्स के अंदर इफ़ यू लाइक इफ आई इफ आई नेम सम टर्म्स दीज टर्म्स आर देर आर सम कंडीशन विच वी नीड टू मीट इन ऑर्डर टू क्लासीफाई और उन कंडीशन के नाम ऐसे अजीब अजीब से हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल करोश कन टकर कंडीशन एंड प्राइमल फीजिबिलिटी ड्यूअल फिजिबिलिटी स्लैकनेस कंडीशंस ये सब चीज़ें हम इसमें सीखेंगे लेकिन शुरुआत एकदम बेसिक से करेंगे जैसा मैं हमेशा अपने हर सेशंस में एकदम आपके लेवल से शुरू करते हुए एकदम एडवांस तक लेके जाता हूँ राइट तो शुरुआत हम एकदम बेसिक से करेंगे राइट सो स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स ऑफ पहले मैं क्वेश्चनस ले लूँ यार चार्ट में आप लोगों के इज दिस लेक्चर इन एडिशन टू एम एल कोर्स और इफ़ आई डू दिस देन आई कैन नेगलेक्ट एम एल के एम एल कोर्स के अंदर सपोर्ट वैक्टर मशीन्स है ही नहीं सर दिस इज़ द ओनली ओनली थिंग ओनली लेक्चर विल गेट अबाउट सपोर्ट वैक्टर मशीन्स अगर आपको मेरे यूट्यूब पर पुराने लेक्चर्स मिलेंगे जब मैं बहुत छोटा था उस टाइम पर बनाए थे मैंने तो इट्स अ वेरी 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 एक्सक्लूसिव थिंग डेटा एनालिसिस इज़ नॉट फिनिश्ड इसको यूज़ करके ही हम आगे अनोमली डिटेक्शन करेंगे ये सीख के क्लस्टरिंग सीख के उसके बेसिस पे अनोमोली डिटेक्शन करेंगे द ऑल पार्ट ऑफ द एजेंडा राइट तो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एल्गोरिदम इज़ अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर आपके पास कभी ऐसा केस आता है जहाँ पे नंबर ऑफ फीचर्स नंबर ऑफ़ सैम्पल से ज़्यादा हों दैट मीन्स हमने अभी तक क्या केसेस देखे हैं कि हमारे पास जो फीचर्स हैं वो तो ठीक ठाक होने चाहिए बट सैम्पल्स ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होने चाहिए किसी भी डेटा के अंदर जो किसी भी डेटा के अंदर जो कॉलम्स हैं वो कितने भी हों बट ये वाले जो सैम्पल्स हैं ये ज़्यादा होने चाहिए टेन थाउजेंड और समथिंग एट मीन्स रोज ज़्यादा होनी चाहिए कॉलम्स से हमेशा रोज शुड भी ग्रेटर देन कॉलम्स सपोर्ट वैक्टर मशीन्स एक मात्र एक ऐसा एल्गोरिदम है जो अच्छा काम करता है जब आपके पास कॉलम्स ज़्यादा हैं रोज से जब फीचर्स ज़्यादा हैं सैम्पल्स कम हैं कम सेम्पल्स में अच्छी एक्ोरेसी देने का काम करता है सपोर्ट वैक्टर मशीन्स राइट तो इसके कुछ कुछ केसेस हैं स्पेशल केस में ही अप्लाई करते हैं इसको जैसे कुछ स्पेशल एक्टर्स होते हैं ना जो स्पेशल रोल में फिट होते हैं जैसे संजय मिश्रा जी हैं उनके कुछ स्पेशल रोल्स में ही वो फिट होंगे राइट right? तो वैसे ही सपोर्ट वेक्टर वैक्टर मशीन् तो सपोर्ट सपोर्ट वेक्टर मशीन्स जब ही क्लासीफाई कर पाएगा जब आपका जो डेटा है उसके अंदर कुछ 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 ऐसे कंडीशन हैं जो फॉलो होनी चाहिए और उनकी अब हम बात करते हैं तो उनकी बात करने से पहले मैं एक डेटा का एग्ज़ाम्पल लेना चाहता हूँ एंड दैट एग्जाम्पल इज़ मेल फीमेल वॉइस ठीक है तो ये एक मैंने एक्सेस बनाया है फॉर एग्जाम्पल और इस एक्सेस पे जो वाई एक्सेस है दैट इज पिच राइट और एक्स एक्सेस पे है लेट्स से वट डू वी से लेट्स से वॉइस नंबर ऑफ वॉइसेज इट्स जस्ट इंटीजियर नंबर ओके तो बहुत सारी जो वॉइस है ना वो हमने यहाँ पे प्लॉट करी है विद रिस्पेक्ट टू देयर पिचेस सो so, लेट्स हमारे पास टेन थाउजेंड वॉइस थी पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स ठीक है इन दोनों रिकॉर्डिंग्स के बीच में एक ही फर्क होता फर्क बहुत ज़्यादा होते हैं बट जो डिस्टिंग्विशेबल फर्क है दैट इज पिच द फीमेल वॉइस इज कम्पेरेटिवली हायर पिचड सो लेट मी मेक इट विद रेड कलर के भाई ये पिच एक इस सर्टेन लेवल के ऊपर ही आएंगी ये सारी पिचेस ठीक है और जो मेल वॉइसेज हैं दोज आर कंपेरेटिवली लो पिच वॉइसेज़ लाइक दिस तो हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल फाइव थाउजेंड फीमेल वॉइसेज थी फाइव थाउजेंड मेल वॉइसेज थी उन दोनों को मैंने इस तरीके से प्लॉट कर दिया है कि हाँ जो जो मेल वॉइस थी वो इसके अंदर अंदर आ गई और जो फीमेल वॉइसेज थी वो इसके अंदर अंदर आ गई ओके okay? अब इससे पहले मैं इसको शुरू करूँ मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ आपको कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए अगर आप मशीन लर्निंग कोर्स सीख रहे हैं तो आपको वैक्टर्स के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन ये सब चीज़ें तो अगर ये क्लियर नहीं है आप मेरे यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन्स की पुरानी प्लेलिस्ट में उसमें एकदम बेसिक्स से सब कुछ क्लियर किया अब मैं वो दोबारा नहीं सिखाने वाला हूँ बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट इन कोर्सेज तो अब ये जो एल्गोजम है ये हमें क्या करेगा अगर कोई ऐसा डेटा होता है जो एक सिंगल लाइन से सेपरेबल हो सकता है ना अब जैसे डेटा जब कई कई ऐसे डेटा होते हैं जिनके बीच में ना इंटरसेक्शन हो जाता है अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊँ और दूसरा सर्कल बनाऊँ तो इट इज़ वेरी वेरी इजीली डिस्टिंग्विशेबल राइट लेकिन कई कई डेटा ऐसे आते हैं जिनमें कुछ जैसे पॉइंट्स इसके यहाँ तक आ गए ठीक है और कुछ इसके पॉइंट्स में जाके ओवरलैप हो गए कुछ इस तरीके से देन सपोर्ट वेक्टर मशीन्स वोंट गिव यू गुड एक्यूरेसी इसीलिए लेस नंबर ऑफ़ सैम्पल्स आर रिक्वायर्ड लेस नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हों बट एक्यूरेट सैम्पल्स हों एकदम कुछ भी आउट लायर्स ना हो मैंने क्या शब्द यूज़ किया मैंने शब्द यूज़ किया आउट लायर्स एंड दीज आउट लायर्स आर एनोमलीज और इसी तरीके से सपोर्ट वेक्टर मशीन्स यूज़ किया जाता है फ़ॉर एनॉमली डिटेक्शन तो हम एनॉमली डिटेक्शन तक पहुँच चुके थे उसके बाद में दिस इज़ इम्पॉर्टेंट देन विल लर्न सम क्लस्टरिंग एल्गोर्डम्स तो लगे हाथ वो भी क्लियर हो जाएंगी और साथ में वी विल यूज़ अनॉमली डिटेक्शन यूजिंग दैट एंड देन विल कंक्लूड दैट कोर्स आफ्टर कम्प्लीटिंग ऑल ऑफ द रिमेनिंग एल्गोर्डम्स तो अब यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को क्लासिफाई करने के लिए हमें एक मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी पड़ेगी इस पूरे सिस्टम की एक ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसे हम मिनिमाइज़ कर सकें यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइज़र भी यूज़ नहीं होगा लेट मी लेट मी वॉन्ट यू नो ग्रेडियंट डिसेंट नो डेरीवेटिव लाइक दैट इट इज़ अ वेरी वेरी क्लासिकल अप्रोच तो ये करने के लिए मैं आपको हम हम क्या करते हैं हम एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं कि ये मेरा सबसे आउटर मोस्ट डेटा पॉइंट है मैं इसको ब्लैक कलर से मार्क कर देता हूँ राइट right? और इसके अंदर ये मेरा सबसे आउटर मोस्ट डेटा पॉइंट है तो इसको मैं मार्क कर लेता हूं ठीक है अब मैं क्या करूंगा दो लाइन्स बनाऊंगा यहां पर दो लाइन्स बनाऊंगा जो इनसे गुजरे इनसे टच होकर निकले ठीक है लाइक दिस पैरेलल लाइंस Right अब आप इसको ऐसी ऐसी एक मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं किस एग्जाम्पल से हमें ये चीज़ समझनी धीरे धीरे समझेंगे बट समझना बहुत जरूरी है क्या वो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है लेट्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक रोड बनानी है इफ यू आर अ रोड कॉन्ट्रैक्टर आप रोड मैं ये नहीं कह रहा कैसे उसमें डामर वामर कैसे डालनी दैट्स अ डिफरेंट थिंग मेजर थिंग इज रोड बनने के बाद एक फिनिशिंग करनी पड़ती है दैट इज़ सेंटर के अंदर लाइंस खींचनी पड़ती है सेंटर में वो जो डॉटेड लाइंस होती है वो लाइंस हमें खींचनी पड़ती है एंड व्हाट वी वांट कि वो एकदम एक्यूरेट सेंटर में हो वो डॉटेड लाइंस एकदम एक्यूरेट सेंटर में हो तो वो खींचने का क्या तरीका है कैन यू गाइज हैव सम Uh, point on that how can we find the center of this thing can we have some options can we have some suggestions k like we can use this thing we can use that thing or something in the chat window ऑडियो इज नॉट क्लियर इज इट इज इट द इशू फॉर एवरी वन ऑफ यू ऑडियो इज नॉट क्लियर ओके मीडियम वी कैन यूज बट यहाँ पे आप कैसे मीडियम लेंगे यहां पर थिंग्स आर इन टर्म्स ऑफ वैक्टर्स डिस्टेंसेज पैरल लाइन्स मतलब मेरे को इंटेटिव से एक्सप्लेनेशन या तो आप दीजिए या मैं देता हूँ आपको अच्छा चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसके अलावा ये तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया लेट्स से कि ये एक रोड आपने बनाई इस तरीके की कुछ ना जो ऐसी उबड़ खाबड़ सी है नाउ वट यू वॉन्ट टू डू यू वॉन्ट टू फाइंड दैट सेंटर बाउंड्री सेंटर बाउंड्री तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे पहले दो मार्जिन लाइंस बनाएंगे मार्जिन लाइंस किस तरीके से बनाएंगे कुछ इस तरीके से आउटर मार्जिन्स ठीक है और इन दो मार्जिन्स से हम दो पॉइंट्स लेंगे इस तरीके से इसका हाफ डिस्टेंस और इसका हाफ डिस्टेंस इट्स अ वेरी इंटेटिव अप्रोच ना इसे हाफ हाफ डिस्टेंस लेके वी कैन डू दिस ठीक है तो वही काम हमें यहाँ पे करना है ये जो ये जो पूरा हमने यहाँ पे ये यह ग्राफ बनाया है इसके अंदर हमें एक एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट निकालना है एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट वो एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट मतलब ऐसा सेंटर पॉइंट उसके लिए हमें एक इक्वेशन बनानी है उसमें कुछ मैक्सिमाइज मिनिमाइज ऐसी कुछ चीज़ करनी है तो वह एग्जैक्ट सेंटर सेंटर पॉइंट कैसा होगा जस्ट अ सेकेंड वो कुछ जैसे सेंटर की डैश लाइन होनी चाहिए डैट एक्सैक्ट सेंटर पॉइंट अराउंड हेयर और ये एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट जब हम ढूंढ लेंगे हमारा जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है वो ट्रेन हो जाएगा ये ढूंढना इतना आसान नहीं है लेट मी टेल यू यहाँ पे इट्स नॉट अ ज्योमेट्री और समथिंग जो आप किसी डेटा पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस निकाल लें या कुछ कर लें एवरीथिंग इज मैं जब आपको अभी लेके जाऊँगा हाइपर प्लेन्स और उनके अंदर एवरी थिंग इज़ मोर देन थ्री डायमेंशनस आपके डेटा में कितने सारे फ़ीचर्स होते हैं हंड्रेड फीचर्स है तो हंड्रेड डायमेंशन में यू हैव टू डू दिस थिंग और वो भी डायनामिक राइट यस, यू आर आस्किंग हेयर यू आर रिप्रेजेंटिंग विद द हेल्प ऑफ स्केल्स, बट वट वट इज डेटा इज यूज विद मैनी पॉइंट हाँ डेटा हो सकता है ज़्यादा वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ठीक है तो उसके अलावा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम इन दोनों लाइन्स को लाइन अभी कंसिडर करते हैं इन दोनों लाइंस को हम आ, अगर इक्वेशन दें तो क्या इक्वेशन दे सकते हैं वट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इट इज एम एक्स प्लस सी ठीक है तो मैं इस वाली क्लास को ये जो मेरी राइट right साइड वाली क्लास है आई एम कॉलिंग इट वन क्लास ठीक है एंड आई एम कॉलिंग दिस थिंग माइनस वन क्लास यू गॉट माई पॉइंट आई एम कॉलिंग दिस वन क्लास आई एम कॉलिंग दिस माइनस वन क्लास ठीक है अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन क्वेश्चन एम एक्स माइनस सी माइनस सी क्यों लिख रहा हूँ आई एम जस्ट टेकिंग नेगेटिव इंटरसेप्ट उसका एक रीजन है दैट इज़ फॉर मैथमेटिकल कन्वीनियंस अभी के लिए जस्ट बियर विद मी वाई एम टेकिंग एम एक्स माइनस सी इट इज़ जस्ट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज इट बिकम्स ईजियर बिकॉज सी इज़ जस्ट अ कॉन्स्टेंट अब नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें इट डज़ नॉट अफेक्ट डायरेक्शन राइट right? अगर यहाँ सी नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग के बाद वो ऐसे ढूंढ लेगा कि ये लाइन की इक्वेशन में आ जाएगा बट अभी शुरू में नेगेटिव लेने से क्या होता है इट 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 मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज वो डिस्टेंस निकालने के बाद देन वी विल बी एबल टू डू अ बेटर थिंग वट आम कि ये जो वन क्लास वाली लाइन है दिस इज एम एक्स माइनस सी इक्वल्स टू वन ओके okay? और ये जो माइनस वन क्लास वाली लाइन है हम कॉलेंगे एम एक्स माइनस सी इक्वल्स टू माइनस वन ठीक है ओके यू गॉट इट ओके तो एम एक्स माइनस सी इक्वल्स टू वन और एम एक्स माइनस सी इक्वल्स टू माइनस वन ये दो गई, ठीक है अब इधर वाली जो एम एक्स है इसको मैं बोल रहा हूँ एम एक्स टू और ये है एम एक्स वन ये एक्स क्या है ये आपके ये वाले पॉइंट है जो टच हो रहे हैं इससे ठीक है उसके हिसाब से वी आर हाँ मेकिंग अ लाइन तो अब यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस बन गई है और एक और चीज़ बन गई है वो क्या है कि अगर मैं इन दोनों लाइंस को जॉइन कर दूँ बीच में ना, इस तरीके से बाय स्ट्रेट लाइन समथिंग लाइक दिस ठीक है और इस डिस्टेंस को अगर मैं बोल दूँ आर तो मुझे ये आर फाइंड आउट करना है सबसे पहले ठीक है ये आर फाइंड आउट करना है ये बीच का डिस्टेंस क्योंकि इसी डिस्टेंस के ऊपर सारा खेल है इसी डिस्टेंस के ऊपर पूरी की पूरी सपोर्ट वेक्टर मशीन्स है इसी डिस्टेंस को मिनिमाइज मैक्सिमाइज़ करना है वो हम धीरे धीरे उस प्रॉब्लम के ऊपर आ रहे हैं कि हमें हमारी ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम यहाँ पे फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कॉन्वेक्स वगैरह वैसी कुछ नहीं है नथिंग इज़ कनेक्टेड हेयर तो हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ नहीं कर सकते जिनको नहीं पता व्हाट इज़ ग्रेडियंट डिसेंट इट्स एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम जो हम आज तक हर एल्गोरिदम में यूज़ करते आ रहे थे जस्ट टू ट्रेन समथिंग जस्ट टू ट्रेन द मशीन राइट तो ये मैं मानता हूँ कि मेरी सेंटर जॉइनिंग लाइन है इसको हम बोलेंगे मार्जिन ठीक है और इसको हमने नाम दिया आर राइट गाइस इसके साथ में यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि ये जो पॉइंट है आपका दिस इज एक्स वन एंड दिस पॉइंट इज़ एक्स टू ठीक है एक्स वन और एक्स टू ये जो पॉइंट है इन दोनों के बीच में एक और रिलेशनशिप है ये तो अलग अलग लाइन की इक्वेशंस तो हैं एक रिलेशनशिप क्या है मैं पहले लिख देता हूँ द यू नो जो मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है मैंने लिखा है एक्स टू इक्वल्स टू एक्स वन प्लस आर इंटू एम अपॉन एम ये ये एम कहाँ से आया इस लाइन को हम इस लाइन को हम बोल रहे हैं एम और इस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं आर डिस्टेंस आर है और ये लाइन आपकी एम है ठीक है मार्जिन लाइन इसके बीच में डिस्टेंस आर है लाइन का नाम आर नहीं है मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, थी उसमें बताने में आई गेस ये चीज ये चीजें क्लियर है ठीक है ये चीज़ें यहां तक हमने जो सीखा इफ थिंग्स आर क्लियर कुछ भी ऊपर से नहीं जा रहा प्लीज टाइप सी एल आर अगर कुछ भी ऊपर से नहीं जा रहा तो ओके परफेक्ट गुड Yes, name of the line is m and distance uh, and distance between those points is r. Dist m, m m is a vector, okay? m is a vector. This is this is a vector. तो यहाँ से वहाँ तक जा रहा है। अब हम आगे चलेंगे और इस इक्वेशन को मैं आ, मैं ये चीज़ आपको समझाता हूँ। ये जो x two point है, ये यह यहाँ पे है। x one point हमारा यहाँ पे है। x one से x two तक जाने में डिस्टेंस कितना है? टाइप इन द चार्ट विंडो डिस्टेंस कितना है एक्स वन से एक्स टू तक जाने में आर डिस्टेंस है ओके okay. तो अगर मैं एक्स वन में आर प्लस कर दूं तो मैं एक्स टू तक पहुंच जाना चाहिए एक बार हम स्केलर्स की बात करते हैं एक्स वन में आर प्लस कर दूं तो एक्स टू में पहुंच जाना चाहिए ठीक है उसके बाद में एक्स वन में जो आर आप प्लस करोगे उसकी तो कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है तो हमें उसको एक डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे ये जो एम वेक्टर है जो एक परपेंडिकुलर वेक्टर मान लो आप एक्स वन से एक्स टू ड्रॉप किया हुआ है तो वो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे इस एम वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे ठीक है ये ये वेक्टर के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए थे वो मैंने Uh, सारे द कंप्लीट मशीन लर्निंग कोर्स में पूरी सीरीज ऑफ वीडियोज़ इस चीज़ की आप वहाँ से भी जाके क्लियर कर सकते हैं तो किसी भी वैक्टर का अगर आपको यूनिट वैक्टर निकालना होता है तो वट यू डू लेट्स इफ आई अ वक्टर वी तो मैं उस वी वैक्टर को उसके मैग्नीट्यूड वैक्टर से डिवाइड कर, दूं। कर दूंगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँगा एंड दट्स हा विल गेट द डायरेक्श द यूनिट वैक्टर ऑफ दैट थिंग वी कैप वी कैप तो नहीं बट दिस इज द यूनिट वैक्टर ठीक है दिस इज वी वेक्टर दिस इज इट्स यूनिट वेक्टर ओके तो मैंने क्या किया आर को मल्टीप्लाई कर दिया उसकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में राइट आर एंड टू ये पूरा का पूरा यूनिट वेक्टर हो गया अब हम आगे चलते हैं और अल्टीमेटली हमारा गोल क्या था मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमें ये आर चाहिए ये डिस्टेंस चाहिए डिस्टेंस पे सारा खेल बना हुआ है तो वो मैं आपको पहले डिस्टेंस निकालने से पहले मैं आपको समझा दूँ कि डिस्टेंस पे सारा खेल क्यों बना हुआ है अच्छा एक बात बताइए अगर ये जो बीच की बाउंड्री है ये जो बीच का पूरा डिस्टेंस है ऐसा मान लो दिस इज दिस इज दिस इज़ पाकिस्तान दिस इज इंडिया एंड दिस इज़ नो मैन लैंड ये किसी का नहीं है ओके okay? कॉन्फ्लिक्ट कब क्रिएट होगा कॉन्फ्लिक्ट कब क्रिएट होगा अगर मैं आर को श्रिंक करूँगा आर को श्रिंक करने का मतलब इंडिया वाले भी नो मैंस लैंड में आएंगे और ये वाले भी नो मैंस लैंड में आएंगे सो दैट इज़ नॉट दैट इज़ नॉट नॉर्मल थिंग दैट इज़ पार्शियलिटी ना पार्शियलिटी मतलब जब ये नो मैंस लैंड है तो ये नो मैनस लैंड ही रहना चाहिए एक फिक्स जो भी डिसाइडेड है उतना ठीक है तो इस चीज़ को कम या ज़्यादा करने से दिक्कतें होंगी अगर हम इन ऑडियो audio, ऑडियोज़ की भी बात करें तो एक एक, एक सेट बाउंड्री है इस डेटा के हिसाब से ना उससे आगे कोई डेटा नहीं आ रहा है इस, इसके अंदर ठीक है तो वो सब डिसाइड करती है ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है ये डिस्टेंस हमें ऐसा मतलब बेसिकली ये जो पूरी की पूरी ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है ना इसको मैक्सिमाइज़ करना है मैक्सिमाइज मतलब भाई मिनिमाइज़ तो मिनिमम तो कितना हो सकता है ज़ीरो हो सकता है ये डिस्टेंस मैक्सिमाइज मतलब हमें इसको खींचते जाना है खींचते जाना है खींचते जाना है और एक पॉइंट पे आके रोक लेना है इसको और वो पॉइंट होगा हमारा कंस्ट्रेंट दैट मीन्स यहाँ पे हमें एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज़ करने वाली करवाने वाली इक्वेशन जैसे हम ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर एरर फंक्शन फॉर्मुलेट करते थे उसको फिर मिनिमाइज़ करते थे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कुछ और एरर फंक्शन आया था न्यूरल नेटवर्क में अलग अलग तरीके के एरर फंक्शन देख लिए ठीक है तो वो एरर फंक्शन यहाँ पर एरर फंक्शन तो नहीं है ऑल दो बट यहाँ पे थोड़ा सा गेम अलग है इट्स इट्स अ एक्चुअली कम्पलीटली डिफरेंट परस्पेक्टिव यहाँ पे एरर का सीन नहीं है स्क्वायर्स वगैरह नहीं है दैट्स वाई वी कंट यूज़ ग्रीड इन डिसेंट ओके तो इस डिस्टेंस को हमें मैक्सिमाइज करना है एक सेट कंस्ट्रेंट तक सेट कंस्ट्रेंट क्या है कि वो इससे आगे नहीं जाना चाहिए ठीक है इन पॉइंट्स से आगे नहीं जाना चाहिए दैट मीन्स इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बनेगी ये जो आर हमारा है ये आर की एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बनेगी बट उसके उससे पहले हमें इस आर को फाइंड आउट करना पड़ेगा वी डोंट हैव अ वैल्यू फॉर आर वी जस्ट नो इट्स आर ठीक है तो उस आर की वैल्यू को अब हम डिराइव करते हैं ओके तो आर को हम डिराइव करने चलें, उससे पहले मैं क्या करता हूँ ये जो इक्वेशन हमने जितनी भी अभी तक यूज़ किए ना वो मैं यहाँ पे लिस्ट कर लेता हूँ एक है एम एक्स वन प्लस सी प्लस सी कर दिया क्या ओके प्लस सी कर लो या माइनस सी कर लो एक की बात है डोंट गेट कन्फ्यूज ऑन दिस ठीक है एम एक्स प्लस सी इक्ल्स टू माइनस वन और एम एक्स टू प्लस सी इक्ल्स टू वन मैं वहाँ पे भी प्लस कर देता हूँ तो एक्चुअली मैंने कुछ नोट्स अपने प्लस सी पे बनाए हैं कुछ नोट्स अपने माइनस सी पे बनाए हैं दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज्ड मैंने यहाँ पे दोनों ओपन कर रखे थे बट डोंट गेट कन्फ्यूज यार बोथ आर लाइन्स इससे कोई चेंज नहीं होता इट्स जस्ट इंटरसेप्ट तो एम एक्स वन प्लस सी इक्वल्स टू माइनस वन एंड एम एक्स टू प्लस सी इक्वल्स टू वन आई होप हमने यहाँ भी यही यूज़ किया है एम एक्स वन पे माइनस वन है एम एक्स टू पे वन है राइट right. ये दो हमारी इक्वेशंस हो गई ये इक्वेशंस किसकी है ये मार्जिन लाइंस की इक्वेशन इनको हम बोलते हैं मार्जिन लाइंस। अब हमें एक और इक्वेशन हमें पता लगी थी दैट वाज़ एक्स टू इक्वल्स टू एक्स वन प्लस आर इंटू एम बाय मैग्नेट्यूड ऑफ एम राइट मैग्नीट्यूड का क्या चक्कर है इसका छोटा सा इंटुएटिव एक्सप्लेनेशन है अगर कोई वेक्टर इतना बड़ा है इसका मैग्नीट्यूड टू है और आपको इसकी सिर्फ डायरेक्शन चाहिए जो सिर्फ इतनी सी है तो अगर आप इस पूरे वेक्टर को टू से डिवाइड करोगे सो विल ओनली गेट अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन है और सिर्फ डायरेक्शन कॉम्पोनेट है उसके अंदर राइट बट वी नीड टू फोकस ऑन दिस तो अब हमें क्या करना है हमें ये जो इक्वेशन है एम एक्स टू प्लस सी इक्वल्स टू वन इससे शुरुआत करनी है तो स्टार्टिंग विद एम एक्स टू प्लस सी इक्वल्स टू वन ठीक है और ये जो एक्स टू है इधर मैं ये वैल्यू रखना चाहूँगा चाहूंगा राइट एम एक्स वन प्लस आर इंटू एम बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एम प्लस सी इक्वल्स टू वन ठीक अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करने चलते हैं सो आल राइट एम एक्स वन प्लस एम इंटू आर इंटू एम बाय मॉड ऑफ एम प्लस सी इक्वल्स टू वन अब यहाँ पे ये जो चीज है एम इंटू आर इंटू एम दिस थिंग इसमें क्या है कि ये दो वेक्टर्स हैं m और m ठीक है राइट दीज आर टू वैक्टर्स मतलब ये जो आपकी लाइन थी ठीक है इसका ये जो वेक्टर था परपेंडिकुलर वेक्टर, ये यही वाला एम वेक्टर है जो इससे जो ये चीज़ है ठीक है एम एक्स जो एम वेक्टर यहाँ पे आ रहा है उसका परपेंडिकुलर हमने इस पर ड्रॉप किया दैट इज आल्सो एम वेक्टर, जब भी इसमें दोनों में सेम सेम स्लोप है ठीक है तो ये एम एक्चुअली यही वाला एम है बट ये इसका परपेंडिकुलर समझ रहे हैं आप उस पर ड्रॉप किया है हमने और अब अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करूँगा दोनों एम वेक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा एलगेट एम जो 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 बेसिकली दोनों का डॉट प्रोडक्ट है दिस विल गिव मी मॉड्यूलस ऑफ एम स्क्वायर तो अगर कोई भी दो सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है यू गेट इट्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट्स अ वेरी वेरी बेसिक थिंग जो मैं पहले भी समझा चुका हूँ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग अगर मेरे पास एक वेक्टर है लेट्स से x इक्वल्स टू फोर आई प्लस सिक्स जी और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूँ सो दैट इज़ गोइंग टू बी फोर स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर दैट इज़ फोर एंड सिक्स सॉरी थर्टी सिक्स प्लस

सिक्स इंटू सिक्स इज थर्टी सिक्स फोर इंटू फोर इज सिक्सटीन सो सिक्सटीन प्लस थर्टी सिक्स गिव्स मी फिफ्टी टू सो इट्स सेम राइट सो ये चीज़ हम यहाँ फॉलो करेंगे और मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिख दूँगा एम एक्स वन प्लस एम सॉरी आर इंटू मॉड्यूलस एम स्क्वायर बाई मॉड्यूलस एम प्लस सी इक्वल्स टू वन दैट मीन्स ये हो गए कैंसिल एंड वी गॉट एम एक्स वन प्लस आर मैग्नीट्यूड ऑफ एम प्लस सी इक्वल्स टू वन राइट अब हम ये एम एक्स वन और सी को एक तरफ करेंगे और आर को एक तरफ करेंगे और उसके बाद हम इक्वेशंस को रिप्लेस करके विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सो विल राइट एम एक्स वन प्लस सी इक्वल्स टू वन माइनस आर इंटू मॉड्यूलस ऑफ एम और ये एम एक्स वन प्लस सी क्या है एम एक्स वन प्लस सी इज इक्वल्स टू वन देख रहे हैं आप दिस इज नॉट दिस दिस इक्वल्स टू माइनस वन. वन प्लस सी इक्वल्स टू माइनस वन सो एल रिप्लेस इट विद माइनस वन माइनस वन इक्वल्स टू वन माइनस आर इन टू मॉड्यूलस और इफ आई जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ आर आई गेट टू बाय मैग्नीट्यूड ऑफ है दैट मीन्स ये जो आर डिस्टेंस है यहाँ पे दैट इज टू डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर वेक्टर परपेंडिकुलर स्लोप वैक्टर ऑफ दिस थिंग ये जो एम है ना एम वैक्टर दैट इज तो ये है इसका मैग्नीट्यूड दिस थिंग तो ये है आपकी इसकी इक्वेशन कि ये जो भी वेक्टर आपका चेंज होगा जो भी होगा डिस्टेंस बीच में इसके हिसाब से चेंज होगी राइट right? सो आर इक्वल्स टू टू बाय मॉड ऑफ है हमारे को मिल गया सो ना वी वी नी ना बेसिकली वॉट वी वॉन्ट वी वॉन्ट टू मैक्सिमाइज दिस इक्वेशन मैक्सीमाइज दिस डिस्टेंस विद अ कंस्ट्रेंट विद अ कंस्ट्रेंट तो मैक्सीमाइज करने के लिए वी आर गोइंग टू राइट वी आर गोइंग टू फॉर्मुलेट आर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड दैट इज मैक्सीमाइज टू बाय मॉड ऑफ एम ये चीज़ हमें मैक्सिमाइज़ करनी है इन ऑर्डर टू ट्रेन द सपोर्ट वेक्टर मशीन्स और इसको मैक्सिमाइज़ करना आसान नहीं है इसी के पीछे सारी कहानी है धीरे धीरे विल बिल्ड इट ठीक है मैंने आपको शुरू में ही कहा था इट इज़ वेरी मच मैथमेटिकल नॉट दैट मच इंटरेस्टिंग जो हम देखते हैं फेस रिकॉग्निशन या फिर ये जो फैसिनेटिंग सी चीज़ें होती है वो बनाना कभी भी आसान है कभी भी आप सीख सकते हैं ये चीज़ें ऑल दो बोरिंग है बट इट पेज़ यू ऑफ इन इनोवेशन राइट इट मेक्स यू अ प्रॉब्लम सॉल्वर अब इसके अलावा बट आई कैन राइट इसको अगर मैं इन्वर्ट कर दूँ सो आई कैन राइट मिनिमम ऑफ मॉड बाय टू इसका रिजी भाई अगर आप आपने अगर लिखा वन अपॉन समथिंग ठीक है और इसको मुझे करना है मैक्सिमाइज तो मैक्सिमम ऑफ वन अपॉन एक्स कब होगा जब एक्स इक्वल्स टू जीरो पॉइंट और बेसिकली वैन एक्स विल टेन टू जीरो ना इट विल बी मैक्सिमम ऑफ दिस थिंग जब एक्स बहुत छोटा होगा जब ही तो वन आपका ये बेसिकली वन से डिवाइड होके उसको बड़ा बनाएगा ठीक है अब अगर मैं इसका इन्वर्ट कर दूँ दैट मीन्स अगर मैं करूँ मिनिमम ऑफ एक्स तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे अगेन टेंड्स टू ज़ीरो या फिर नेगेटिव इन्फिनी जैसा भी विदिंग अबाउट होल नंबर से तो मैं आपसे इतना सा पूछना चाहता हूँ ये जो मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिखा है ये चीज़ क्या आप लोगों के अंदर गई या फिर ये ऊपर से गया

मिनिमाइज़ क्योंकि मिनिमाइज करना आसान होता है अब आप पूछेंगे क्यों मिनिमाइज़ किया क्योंकि मिनिमाइज़ करना आसान होता है मिनिमाइज़ करने में आ, जो एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं उनको हम आज तक मिनिमाइज मिनिमाइज़ करते हैं दैट्स मोर इम्पोर्टेंट राइट तो विल राइट मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ एम अब यहाँ पे हम एक और चीज़ करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी दिस स्क्वायर ठीक है ये स्क्वायर क्यों लगाया है कुछ चीज़ें यहाँ पे इलॉजिकल सी है ठीक है एक्स इक्वल टू जीरो नहीं किया है योगेश मैंने एक्स टेंड्स टू जीरो किया है वो इनफाइनाइट होने का मतलब मैक्सिमम ही तो होगी वैल्यू इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट इज़ द मैक्सिमम यू कैन अचीव राइट तो टेंस टू जीरो से विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट और मिनिमम में टेंड्स टू जीरो में यू विल गेट मिनिमम दैट इज जीरो राइट सो मिनिमम ऑफ दिस थिंग और इसमें हम ये एडिशनल स्क्वायर ऐड करेंगे जस्ट टू मेक दिस इक्वेशन कॉन्वेक्स स्क्वायर ऐड करने से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता अब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ वन अपॉन एक्स स्क्वायर स्टिल दिस थिंग एक्सटेंड्स टू जीरो विल 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 टेक इट टू मैक्सिमम इट डज़ नाट अफेक्टेड इट जस्ट इट जस्ट इंटेंसीफाइज इट डायरेक्शन अभी भी सेम रहती है अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर स्टिल एक्सटेंड्स टू जीरो में अगर मैं इसको मिनिमा इसको मैं मिनिमाइज़ करना चाहूँगा तो विल ओनली भी मिनिमाइज डॉट एक्स टेंस टू एंड इन दिस इट विल भी ओनली भी मिनिमाइज ऑट एक्सटेंस टू जीरो बट इससे क्या होता है ये आपकी प्रॉब्लम बन जाती है कॉन्वेक्स प्रॉब्लम अब ये कॉन्वेक्स प्रॉब्लम मैंने फिर से एक नया शब्द यूज़ किया तो जब भी हम मिनिमाइज़ या कुछ मैक्सिमाइज़ करते हैं या किसी भी इक्वेशन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं राइट right? ऑप्टिमाइज करते हैं जब भी हम किसी भी इक्वेशन को ऑप्टिमाइज़ करना मतलब क्या होता है टू फाइंड इट्स मिनिमम और मैक्सिमम तो वहाँ पे दो तरह की प्रॉब्लम्स बनती है कॉन्वेक्स प्रॉब्लम्स एंड नॉन कॉन्वेक्स प्रॉब्लम्स ठीक है जो हम ग्रेडियंट डिसेंट से करते आ रहे थे वो कॉन्वैक्स प्रॉब्लम था ये अभी तक नॉन कन्वेक्स थी बट अब ये कन्वेक्स हो गई कन्वेक्स नॉन कन्वेक्स क्या है उसके पीछे बहुत एक डिटेल्ड ऑप्टिमाइजेशन uh, की स्टडी है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस कोर्स क्योंकि वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है यू कैंट गो इन द डेप्स ऑफ दैट थिंग बट इतना ऐसा है कि जो कॉन्वैक्स प्रॉब्लम्स होती हैं वो कॉन्वैक्स फंक्शन पर लगाई जाती क्या होते हैं कन्वैक्स फंक्शन क्या नहीं होते इफ यू रियली वॉन्ट टू स्टडी इट ऑल्सो इट्स हेल्थ कॉम्प्लिकेटेड और कोई आपसे नहीं पूछने वाला है तो आई कैन शेयर अ बुक विद यू विच इज़ अ वेरी वेरी रेयर बुक यू वॉन्ट फाइंड इट ऑन इंटरनेट एज वेल राइट आई कैन शेयर दैट बुक ऑफ मैथमेटिकल सोसाइटी और उसके अंदर दे हैव हाँ डिस्कस्ड ऑप्टिमाइजेशन इन ग्रेट डिटेल राइट तो ये अब स्क्वायर लगाने से बन जाती है कॉन्वेक्स प्रॉब्लम और इसके साथ में हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐड करने हैं कंस्ट्रेंट्स में पहले लिख देता हूँ देन यू विल अंडरस्टैंड एंड दोस्ट्रेंट आर दो कंस्ट्रेंट्स आर फर्स्ट इज एम एक्स प्लस सी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन And second is m x plus c should be greater than equals to one. ये m one x है ये ये sorry m x one x one वाला negative था ये ना और ये m x two है तो ये दोनों चीज़ें ये फॉलो करने चाहिए कि माइनस वन से नीचे वो वाला नहीं जाना चाहिए प्लस वन से आगे वो नहीं जाना चाहिए मतलब हमने माइनस वन प्लस वन किन को माना था हमने ये वाली जो बाउंड्री थी ना इनको माइनस वन माना था और इसको माना था प्लस वन दैट मीन्स अगर हम इक्वल टू वन बोल रहे हैं दैट मीन्स ये इनकी पोजीशन है इससे आगे नहीं जाना चाहिए ग्रेटर देन वन नहीं होना चाहिए राइट right? और ये जो है ये इससे आगे नहीं जाना चाहिए राइट सो दिस इज दिस इज द कंस्ट्रेंट दैट वी नीड टू फॉलो आई गेस ये आगे जाने की बात नहीं है इसका मतलब है जिस तरीके से मैंने कल लिखे हैं लेट मी एक्सप्लेन यू दैट अगेन मेरे कहने का मतलब है एम एम एक्स वन प्लस सी एम एक्स वन प्लस सी कौन सा है एम एक्स वन प्लस सी ये वाला है जिसमें माइनस वन वाली बात की गई है दैट शुड नॉट बी दैट शुड नॉट बी लेस देन माइनस वन लेस देन और इक्वल्स टू माइनस वन दैट शुड नॉट बी नहीं दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू माइनस वन मतलब ये या तो इससे कम होना चाहिए या इससे इक्वल होना चाहिए मतलब वो हमें देखना है कि ये माइनस वन कहाँ पर आएगा तो या तो उससे कम होगा या उसके इक्वल होगा आगे नहीं जाएगा आगे जाने से गड़बड़ होती है राइट सेम चीज़ यहाँ पे है कि ये इधर नहीं आएंगे तो वी नीड टू फाइंड दैट स्पेसिफिक स्पेसिफिक थिंग दिस थिंग दिस स्पेसिफिक थिंग दिस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस एंड दिस थिंग एंड दिस 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 शुड बी वेरी प्रीसाइज ठीक है उसके बाद में जब हम ये एम वेक्टर निकाल लेंगे आर निकाल लेंगे तो हम फिर इसको कभी भी यू नो डिवाइड बाई टू करके वी कैन गेट एट गेट आट इट्स सेंटर राइट इसके पीछे बहुत मैथमेटिक्स एवन एट टू फाइंड सम लेगरेंज मल्टीप्लायर्स और समथिंग हमने लेगरेंज मल्टीप्लायर्स की बात आई गेस प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट एनालिसिस में की थी आई होप अगर नहीं की सो दोज़ बेसिकली रिलेट टू आइगन वैल्यूज और समथिंग सो इट इज़ वेरी वेरी हेल्थ कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए मैं ये सबसे लास्ट में पढ़ाना चाह रहा था आपको कि आप सारी चीज़ें सीख लें उसके बाद में एंड में अगर ये नहीं भी समझ पाते हैं वैसे तो चांसेस कम है ना समझने के पर नहीं भी समझ पाते हैं, तो यू यू शैल नॉट बी लूजिंग द मोटिवेशन राइट इसके बाद में द नेक्स्ट थिंग इज़ टू सी कि ये जो प्रॉब्लम हमारी बनी है इसको हम नाम देंगे विल कॉल इट प्राइमल प्रॉब्लम प्राइमल प्राइमल प्रॉब्लम क्या होता है कभी जब हम किसी भी चीज़ के दो पर्सपेक्टिव देखते हैं ना दो पर्सपेक्टिव तो एक होता है प्राइमरी पर्सपेक्टिव और एक होता है सेकेंडरी पर्सपेक्टिव राइट प्राइमरी पर्सपेक्टिव में यू यू थिंक अबाउट जो प्राइमरी होती है यू कॉल इट प्राइमल प्रॉब्लम और जो सेकेंडरी पर्सपेक्टिव होता है उसको हम कहते हैं डूअल प्रॉब्लम राइट तो अब क्या है ये एक जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली किसी चीज़ को देखने का एक पर्सपेक्टिव है इस मिनिमाइज़ करने की चीज़ को देखने का एक पर्सपेक्टिव है और इसको मिनिमाइज़ करना ईजी नहीं है इसको मिनिमाइज़ करना ईजी नहीं है मतलब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर मैं एक ग्राफ से आपको ये चीज़ समझाऊँ जो मैंने कही अभी तो लेट्स इफ़ वी इफ़ वी टेक दिस थिंग राइट दिस इज़ अ ग्राफ और एक इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है एक प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम मतलब यार इक्वेशन ही तो है ये मिनिमाइज़ करने वाला स्क्वायर लगा रखा है ना हमने इसके ऊपर तो ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनेगी और ये जो ऊपर वाली चीज़ है हम कॉलिंग इट प्राइमल प्रॉब्लम ओके एंड आई एम कॉलिंग इट डुअल प्रॉब्लम इन दोनों का ऑब्जेक्टिव है सेंटर पॉइंट यहाँ पे पहुँचना है इन दोनों को इसको मिनिमाइज़ करके पहुँचना है यहाँ पे डूअल प्रॉब्लम से आपको मैक्सिमाइज करके पहुँचना है यहाँ पे ठीक है तो प्राइमल प्रॉब्लम और डूअल प्रॉब्लम ये ये किसी भी प्रॉब्लम को देखने के दो परस्पेक्टिव हैं ये हमारी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे आर को करना है मैक्सिमाइज तो उसको देखने के दो पर्सपेक्टिव हैं एक तो आप जो इक्वेशन अभी ढूंढ चुके हो उसकी मदद से उसको मिनिमाइज़ करके आप कर लो जो भी आपने फ़ाइंड करिए या फिर उसका डूअल प्रॉब्लम फाइंड कर लो जिसमें आपको उसे मैक्सिमाइज़ करके निकालना पड़े तो अभी तक जो हमने इक्वेशन यहाँ पे बनाई है इसको मिनिमाइज़ करना इतना आसान नहीं है दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड इट्स डूअल प्रॉब्लम ठीक है तो वो डूअल प्रॉब्लम का क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि इधर अगर आप मिनिमाइज़ कर रहे हैं ना सो दिस इज योर दिस इज योर सेंट्रल यू नो टारगेट पॉइंट तो इसको आपको वहाँ पर मैक्सीमाइज़ करते हुए लेके जाना है अल्टीमेटली हमें कुछ ऐसी 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 प्रॉब्लम ढूँढनी है जो इस गैप को मिनिमाइज कर सके क्योंकि अभी ये चाह के भी यहाँ तक ही पहुँच पाएगा और ये वाला यहाँ तक पहुँच पाएगा लिमिट राइट right? और ये जो गैप है ये बीच में एक गैप बन रहा है ना ये गैप हमें रिड्यूस करना है ये हमें मिनिमाइज करना है गैप को एंड वी विल फाइंड आर डोअल प्रॉब्लम और इसको फिर हम मैक्सिमाइज करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आई आई एक्सेप्ट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट मैंने आपको पहले ही वॉर्न किया था कि आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप देखती जानी है मैक्सिमाइज करना इस इक्वेशन को ईजी नहीं है ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ना इसको इसको मैक्सिमाइज करना ईजी नहीं है इसको मिनिमाइज करना ईजी है बट वो भी कंपेरेटिवली उतना ईजी नहीं है राइट right? सो so, ये चीज़ प्रोग्रामिंग के परस्पेक्टिव से मैं कह रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग के परस्पेक्टिव में आप ज़्यादा सल्यूशन इक्वेशंस को नहीं सॉल्व कर सकते ना यू नीड टू थिंक एवरी थिंग इन इन टर्म्स ऑफ मैट्रसेज और सॉल्विंग सम इक्वेश और समथिंग इन टर्म्स ऑफ मैट्रसेज और वो हम इस डूल प्रॉब्लम के थ्रू कर पाएंगे राइट सपोर्ट वेक्टर मशीन्स बहुत ज़्यादा डीप एल्गोरिदम है इसके ऊपर पूरी की पूरी एक बुक लिखी जा चुकी है बाय स्प्रिंजर बट वो बुक ही कोई 800 900 पन्नों की है तो इट्स नॉट रिकमेंडेड टू रीड दैट मच क्योंकि आपको अल्टीमेटली आई गेस द गोल इज़ टू गेट इनटू द फील्ड एंड स्टार्ट वर्किंग राइट इतना 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 अंदर तक तो कोई uh, ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं इतना अंदर तक डूबल प्राइमल इतना नहीं पता हो थोड़ा बहुत दे नो लेक रैं मल्टीप्लायज इन थिंग्स बट यहाँ तक इट्स नॉट दैट इजी राइट तो ये जो डूबल प्रॉब्लम है ये अब हम नेक्स्ट सेशन में फाइंड आउट करेंगे बाई सम स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस और इसके प्रॉपर नोट्स आपको मेरे गिठअप पर मिल जाएंगे अल शेयर माई नोटबुक लिंक जहाँ पर मैंने पूरे के पूरे नोट्स लिखे हुए हैं अभी नहीं अभी अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग डर के मारे नेक्स्ट सेशन में नहीं आएंगे सो लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स ये मैंने बहुत पहले लिखे थे अभी नहीं थे बहुत पहले लिखे थे मैंने ये तो हम अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं यू कैन सी दिस इज़ आर डुअलिटी गैप और समथिंग दिस इज़ वी वट वी हैव टू मिनिमाइज फिर हम थोड़ा इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए थोड़ी प्री रिक्विज नॉलेज लेंगे जिससे हम एक मेथड पढ़ेंगे दैट इज़ द मल्टीप्लायर मेथड जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करने वाले हैं और उसके बाद वी विल डू सम थिंग्स कुछ वेक्टर्स और कुछ पैरेलल वेक्टर्स और फिर उसको फिर लाइक दे लाइक देर इज दिसक रैं मल्टीप्लायर एंड देन वी हैव टू फाइंड अ प्रॉब्लम लाइक दिस देन वी विल कनेक्ट दैट प्रॉब्लम टू दिस प्रॉब्लम to formulate a problem something like this minimum maximum something and it is hell complicated मैंने आपको पहले ही कहा था और फिर इसको solve करने के बाद we will uh, get our final equation this is our final equation इस time पे मेरे पास graphic tablet भी नहीं होता था तो I used to write it with the mouse और इसका आपको any any notes के ऊपर you will find YouTube videos as well so you can see if if my screen is visible

right so i'll be sharing things with you at the end of this support vector machines i hope you liked it and if things are clear please type clr and let's uh, conclude the session okay okay thank you thank you so much guys good luck goodbye and i'll see you in the next one